अगर जीवन में कोई ये छह सूत्र को केवल अपना लो, केवल ये छह सूत्र को अपना लो, समझो इसी जीवन में आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। अगर ये छह सूत्र को नहीं अपनाएंगे ना, ये जो भक्ति है, बोले भक्ति मार्ग की हमको टिकट करूंगा, ये चीज में ध्यान देना। कहते जो भक्ति का मार्ग है, कहते कोटि कंठ करूंगा। कोटि कंठ का मतलब होता है ये करोड़ों कांटा जितना। वेद कहता है पुरस्तर धारा निश्चिंत दुरतया दुर्गम पतस्तत कवयो वदति। इसलिए कभी लोग कहते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है ना, ये जैसे ब्लेड का जो धार होता है ना, तलवार का धार है, यदि तलवार के धार की जैसे थोड़ी सी इधर उधर होगा ना, क्या होगा, फिर कट जाएगी, फिर कट जाएगी। इसलिए ये भक्ति मार्ग में चलना और तलवार की धार चलना बराबर है। जो भजन करते हो क्या, आपको पता होगा जगत में वो गंदे काम करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर कोई भक्ति करने के लिए जाए, भजन करने के लिए जाए, उसमें हजार बाधाएं, हजार बाधाएं। पत्नी अगर भजन करने में बैठ जाए, मैं कल एक माता जी से बात कर रहा था, उसको थोड़ी सी भक्ति में रुचि है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में जन्म, उसको थोड़ा भक्ति में रुचि, लेकिन जो लोग थोड़ी सी रामायण पढ़ने के लिए बैठ जाए ना, उसको पति को भी कहती है, बोले देखो उसको बच्चों को भड़काते हैं, एक तरफ जो माता है ना पंडित जान करते हैं उसका, ये ब्राह्मण घर की कलयुग में ब्राह्मण का ये कहते। मैं टीवी बैठ कर देख रहा, आप मेरे साथ से टीवी नहीं देखे, देख रहा हूँ टीवी में और बैठ करके रामायण लेकर बैठे, ये पंडित उसको बच्चे को भड़का करके पंडित बन रहे। बस ये सब कलयुग है, ये कलयुग है। बेटा शराब पिए ना वेरी वेरी गुड, मेरा बेटा दारोगा सिगरेट पीते तो वेरी वेरी गुड, लेकिन किलर व्यक्ति माला पहन ले, बोले तेरा कोई उम्र ही भजन कर ले, ये तेरा कोई उम्र हो गया भाई। इसलिए कहते भक्ति की जो धारा है, बोले भैया आपको भी कांटा कई भक्ति की धारा है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने छह सूत्र दिया है। अगर ये जीवन में छह सूत्र को अगर हम अपना लिया ना, समझो कि जो भक्ति का जो जीवन है, बहुत अच्छी तरह से आपकी भक्ति मिल जाएगी। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे किसी ना किसी तरह से ये जीवन को भक्ति में लगा करके रखो, भले ज्यादा कुछ नहीं हो, गुरु जी के ज्यादा कुछ नहीं हो, सवेरे उठो अपना तिलक लगाओ, गुरु मंत्र को जप करो, हरिनाम करो, ठाकुर को जो सेवा पूजा कर रहे हो ठाकुर को, अगर ऐसे जो हम रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम, पर इतना जरूरत नहीं, इतने की कोई जरूरत नहीं, अगर इतना तक अगर उसने कर लिया, तिलक माला कर ली, हरिनाम अगर इतना कर लिया, गुरु जी कर बहुत सुख कर लिया। मेरे गुरुदेव कहते थे सब मिलजुल करके किसी ना किसी तरह से एक बार ब्रह्मचर्य को कहते थे एक दीवार के मंदिर दीवार बटवास एक किसी ना एक तरह से ये बटवास किसी तरह से एक जीवन बिता दो, क्योंकि जो संसार है ये तो तुम्हारे लिए रिजर्व है। कौन सा जीवन में तुमने नहीं किया, कुत्ता बने तो कुत्ती बनी मिल गई, सुअर मिला तो सुअर मिल गई है, कौन सा जीवन में जो काम करते करते तुमने नहीं आया, सारा जीवन भी यही तो करते करते आया है ना। इसलिए गुरुदेव कहते थे, इसलिए कहते गुरुदेव कहते थे एक जीवन किसी तरह से इसको स्टॉप कर, इसको स्टॉप कर करोगे एक एक जीवन, क्यों, ये तुम्हारे लिए रिजर्व है, तुमको सब करते करते तू आया यही का और ज्यादा कुछ नहीं किया। अगर किसी जीवन में गुरुदेव कहते अगर पैर उसमें लग गया तो गया तुम्हारे, ये मानव शरीर में इतने संस्कार बनती हैं कि ये कर्म जो है और सब भोग जो एक जीवन में इतने कर्म बन जाती हैं जिसको भोगने के लिए तुम्हें 84 लाख जन्म में तुम्हें भटकना पड़ेगा। इसलिए साधु सावधान, साधु सावधान। इसलिए श्री रूप गोस्वामी यहाँ छह सूत्र दे रहे, अगर ये छह सूत्र का अगर हमने जीवन में अपना लिया, सब जो था जीवन आसानी से भक्ति में आसानी से बीत जाएगी। बताओ ये छह सूत्र कौन है, क्या क्या ये छह सूत्र है,
क्या इच्छा सुन रहे हैं? कहते हैं उत्साह उत्साह निश्चय दृढ़ धैर्य तत् तत् कर्म प्रवर्तना संगत त्यागात सत्व वृत्ति सर्वीर भक्ति प्रसिद्ध। यदि ये जो छह जो भक्ति है ये बड़ा प्रसिद्ध भक्ति है। मतलब पहला नंबर क्या भक्ति में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? उत्साह, सबसे पहले उत्साह। इसलिए वेद कहता है ना अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्यः। जो आत्मा तत्व जिसका बलहीन जो व्यक्ति है, बलहीन मतलब क्या? जिनको भक्ति में कोई उत्साह नहीं, या जो निरुत्साहित व्यक्ति वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता निरुत्साहित। इसलिए भक्ति जगत में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? उत्साह चाहिए। लेकिन हमारे तो उत्साह है, लेकिन उत्साह किसमें है? भक्ति में। राहुल कहते हैं हमारे विषय में उत्साह है, सिनेमा देखने के लिए जाओ, पार्टी में जाओ, उसमें बड़ी उत्साह है। लेकिन भजन की बात बताओ ना, भक्ति में राहुल कहते हैं झुमे झुमे तलाश वाले से। अगर कथा हो भजन हो ना तो भैया नींद आ रही है, तकिया ले जाओ। लेकिन इधर उधर की चुगली बात हो ना एकदम जग जाते। इसलिए इसमें हमारी बड़ी उत्साह है। इसलिए कहते उत्साह किसमें रहनी चाहिए? हमें भगवान की भक्ति में हमारी उत्साह रहनी चाहिए। दूसरा जो सूत्र है निश्चय, निश्चय मतलब क्या? इसी जीवन में हम निश्चित रूप में भगवत भजन करेंगे, वहां भगवत प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे अंदर में ये निश्चय होनी चाहिए जीवन में किसी ना किसी तरह से। इसी जीवन में हमें, इसलिए गुरुदेव कहते थे एक जीवन में किसी ना किसी तरह से कोशिश करो, अगर रुचि तक पहुंच गए किसी जीवन में, साथ बोल गए किसी जीवन में, अगर तुमने रुचि तक पहुंच गए ना, तो गुरु जी कहते थे समझो तुमने बहुत कुछ कर लिया है। अब समझ रहे हो? कहते कहाँ तक पहुंचनी चाहिए इस जीवन में? रुचि। कहाँ तक? ये रुचि मतलब क्या होता है? जैसे कोई बढ़िया चीज बने ना, कहते भैया और थोड़ा दो, और थोड़ा दो, और थोड़ा दो। इसलिए रुचि वो है जो साधन भजन करते हैं, लगाओ भजन करो भगवान की भक्ति करो, अध्ययन करो हरि कथा सुनाओ भगवान की भक्ति में, जो स्वाभाविक रूप में भक्ति में जो रुचि है स्वाभाविक रूप में, ऐसे नहीं खेचा नहीं करके नहीं करो 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 सभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करते, नहीं खेचा नहीं, बोलने का जरूरत नहीं, बोलने से पहले स्वाभाविक रूप में स्वाभाविक रूप में अगर यहाँ तक गुरुदेव के अंदर पहुंच जाओ ना इसी जीवन में समझो आपने बहुत कुछ कर दिया। इसलिए उत्साह निश्चय और जो तीसरा जो सूत्र है क्या है? बोले धैर्य। भैया धीरज धारण करो, धीरज धारण करो। इसलिए किसने गुरुदेव का आकर कोई ब्रह्मचारी ने बताया, बोले गुरुदेव अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, बोले अभी तो ये माला जप करते करते काली बन गई, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा। गुरुदेव ने कहा कितना साल हो गया मठ में आए? बोले 5 साल हो गया। गुरुदेव कह रहे थे 50 साल हो गया, अभी कुछ नहीं तो 5 साल था करके और कह रहे हो भाई अभी कुछ हुआ है। गुरुदेव शिक्षा के लिए बोल रहे थे। इसलिए भैया धीरज धारण करो, क्योंकि हमने अनादि काल से भगवान से बिछड़ते हुए अनादि काल से हमने विषय भोग करते 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 आए, भोग करते करते गुरुदेव उदाहरण जिससे ध्यान चलती है ना, अगर यहाँ से आप आप कर दो लेकिन वो कुछ समय तो वो चलती रही, क्यों? वो पहले से उसका जरा प्रेशर रहेगा। क्योंकि उसी तरह अभी तक दिखाई पड़ता है हमने भक्ति में आ गए, लेकिन हमने पूर्व जन्म में क्या करके हुए आए हमको क्या बताए, उसका जो प्रेशर कहाँ जाएगा, उसकी प्रेशर कहाँ जाएगी? इसलिए धैर्य धारण करो, धीरज धारण करो है। इसलिए धीरज धारण करना पड़ेगा। इसलिए बोले धैर्य धीरज धारण करो, हरि नाम करते रहो। देखो एक समय गुरुदेव जिसको उदाहरण देते थे, एक समय किसी व्यक्ति को आप पास में 5 किलो गेहूँ खा कर की जमीन थी, वो व्यक्ति गेहूँ को पीस करके आटा बना करके खाने के लिए जा रहा था। एक व्यक्ति ने कहा भैया तेरे पास इतने जमीनी जगह पड़ा हुआ उसको तुम वो क्यों नहीं देते हो, अगर वो दोगे ना जो 5 किलो एक ट्रक होगा फिर तुम एक साथ तक उसको खा सकोगे।
बोले एक तरफ हो जाएगा, बोले हाँ, बोले कैसे, बोले आज जो जमीन है ना इसमें इसको और उसको लेकर इसे फेंक दो, तब उनने फेंक दिया। कुछ दिन बाद में वहाँ पर अंकुर निकली, जब थोड़ी अंकुर आई वो तो रोने धोने धो करके उस व्यक्ति को पास किया, बोले तुमने क्या बताया, बोले तो जब ने फेंक दो, मैंने फेंक के पूछे ही नहीं, वहाँ तो बोले खांसी का तो पूछे ही, 5 किलो अगर मैंने पीस करके आटा बना देता 8-10 दिन से चली जाता हम तो बेकार हो गया। बोले बेटा चिंता मत करो, बीच बीच में पानी देते रहो प्रभु जी आ जाओ, इसलिए बीच बीच में उसमें पानी देते रहो। कुछ दिन बाद में देखा वो जो घास था ना और थोड़ा ज्यादा घास हो गया, बोले फिर रो धो करके, बोले कुछ नहीं वो पूरा जमीनी घास ही घास दिख रहा था। बोले बेटा चिंता मत करो उसमें पानी देते रहो। कुछ दिन बाद में आप देखना कि उसमें सबसे पहले बाल आ गया, देखा पूरा फिटी फिटी पूरा बाल निकला, बोले उसमें कुछ है ही नहीं बाल ही बाल है। बोले बेटा कोई चिंता मत कर पानी देते रहो। सचमुच से उस दिन बाद में देखा वो खेती खेती पूरा शीशे शीशे में तो भर गया। जब उसको देखा उसको मन में बड़ा उत्साह आया, बोले भैया सच बता रहे थे, बट उसको मन में उत्साह आया गया, बोले हाँ देखा पूरा शीशा शीशा आया है। बोले बेटा चिंता मत करो पानी देते रहो। कुछ दिन बाद में पूरा खेती खेती एकदम गेहूँ गेहूँ में भर गया, उसके आनंद की सीमा नहीं रही। बोले हाँ आप सही बता रहे हो, गेहूँ गेहूँ। बोले बेटा चिंता मत करो फिर पानी देते रहना। जब सूख गया काट करके लाना, 5 किलो जब गेहूँ था और एक एक पूरा ट्रक गेहूँ बना, पूरा जीवन जीवन नहीं पूरा साल उसको खाता रहा। गुरुदेव इसके उदाहरण देते थे, बोले देखो जैसे अभी हम हरिनाम करते हैं, अभी हमें हरिनाम में रुचि नहीं आता, हरिनाम करने में अभी रुचि नहीं आती, कभी हरिनाम करते हैं कभी हरिनाम नहीं करते। बोले सुखदेव अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और पहले इतना परेशान था ना जब से माला लिया और ज्यादा परेशानी आ गई है, अभी हमें ज्यादा परेशानी आ गई। बोले बोले चिंता मत करो, चिंता भगवान कहते ना जेकर आमार आस तार करी सर्वनाश, यदि ना छाड़े आमार आस तबे करी अंतर मसरदा। समझ रहे हो, भगवान कहते हैं जो मेरे सर में आता है ना, जैसे कुंभार क्या करता है, लोहे को आग में देगा फिर निकलता है, खूब पीटता है फिर पानी में देगा फिर आग में देगा है, फिर उसको निकलेगा फिर खूब पीटेगा, और पीट पीट करके लोहे को इतना ताकतवर बना देता है, लोहे लोहे को काट देते लोहे लोहे को काट देती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो भक्ति है, इसलिए अगर थोड़ी बहुत थोड़ी विपत्ति आए ना उसमें डरना नहीं। हरिदास ठाकुर को विपत्ति आएगी नहीं, वो तो मुक्त महापुरुष है। प्रहलाद गोपर में आएगी नहीं, मीरा का नाम सुने हो जगत में, किसका नाम हो रहा है अभी, मीरा जी नाम हो रहे हैं, इन भगवान को तपा तपा करके ऐसे बनाए लोहे लोहे को काट देते। इसलिए गुरुदेव की कथा के द्वारा गुरुदेव कहते थे, बोले चिंता मत करो हरिनाम करते रहो, हरिनाम करते रहो, हरिनाम छोड़ना नहीं, भले एक बार दुनिया छोड़ी जाए, एक दिन दुनिया छूटेगा नहीं चाहने पर भी वो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन भगवान की भक्ति कभी नहीं छूटनी चाहिए। दुनिया छूट जाए ये छूटेगा ही एक दिन, लेकिन प्रभु का भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए कहते धैया जीवन में भक्ति के लिए रूप गोस्वामी तीसरा सूत्र क्या कहते हैं, धीरज धारण करो और सत्तर कर्म प्रवर्तना। भक्ति की जो अनुकूल वस्तु है, जो काम करने से गुरुदेव वैष्णव शुक्र तेरे अपना लग करते सत्संग की साधु संघ की इतने महिमा इसमें बताए, इतने महिमा इसमें है। इसलिए अगर सचमुच से जीवन में कृष्ण भक्ति रस में जो डूबे हुए साधु है, अगर ऐसे संघ हमें कभी जीवन मिल जाए ना, कहते भक्ति होती है कैसे, मतलब पूर्व जन्म का सुकृति से, लेकिन साधु संघ की इतना महिमा, अगर हमें कैसे कोई उच्च कोटि का कोई साधु अगर हमें मिल जाए बात हमारा काम ही बन जाएगा। बोले करोड़ सुकृति के द्वारा जो चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हो वो साधु संघ से प्राप्त कर सकते हो। साधु संघ है क्या है, जैसे कोई पौधा लगाए ना चारों तरफ में बाढ़ नहीं लगा तो सब खा जाएगा,
इसलिए जो साधु संकल्प हमें हर समय ये साधु संकल्प रखा करें, अगर कहीं गिरने जाए ना झट हमें समझाए नहीं, बल नहीं छोड़ना, भक्ति नहीं छोड़ना, ये साधु संकल्प की बड़ी महिमा। अगर जीवन में साधु संकल्प अगर मिल गए ना बात हमारे जीवन की नैया एक तीर प्रभु के चरण में पहुंच जाए, साधु संकल्प की बड़ा महिमा। इसलिए बोले संग त्यागा, इसलिए असत संग को त्याग देनी चाहिए, साधु संग में निवास करनी चाहिए। बोले सत्वृत्ति, सत्वृत्ति मतलब हमारी गुरु वर्गो ने, हमारे पूर्व पूर्व आचार्यों ने जैसे जैसे साधन भजन किया है वो साधन भजन को हमें अनुसरण करनी चाहिए। जैसे हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज वो क्या कैसे भजन करते थे, सवेरे उठ करके भले इतने बजे क्यों नहीं सोए, वो उठ जाते थे 2:30 बजे उठ जाते थे, पास में कोई सोया हुआ इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और गुरुदेव जाकर के हाथ में धो लेंगे और ये माला लेकर बैठ जाए और माला लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बोलो गिरोगे नहीं। लेकिन रूप गोस्वामी और एक बात कह देते हैं,
एक केवल एक चीज से सावधान रह जाओ। बोले क्या है? बोले दवा तो बड़ी मीठी है, दवा बड़ी मीठी है। वो दवा क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन थोड़ी सी स्टम करेंगे कि थोड़ी सी कर लो, इतना परहेज कर लो गुरु वैष्णव की कभी निंदा मत करो, गुरु वैष्णव की निंदा मत करो। केवल इतने चीज से थोड़ी सी सावधान रहो। अगर इतना चीज से सावधान रहोगे फिर भक्ति जगत में कभी तुम्हारी मदद नहीं होगी। इसलिए इसमें सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना? देखो हमारी इच्छा, हमारे कुछ ब्रह्मचारी लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, हमारे श्री परमेश्वर प्रभु जी, श्री परमेश्वर प्रभु जी ये बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दिए। इसलिए अगर आप लोग भी कभी भक्ति जगत में अच्छी शिक्षा पाना चाहते हो, अजन जीवन में सुदृढ़ होना चाहते हो, कभी इनकी कथा कभी सुना करो, कभी आया करो, श्लोक सीखा करो हमारे बीच में हर्ष प्रभु किधर किधर। इसलिए देखो आपकी इन इन बच्चों से आपको पता चलेगा हमारे श्री परमेश्वर प्रभु जी ने उन्होंने कैसे कैसे बच्चों को कितना कितना अच्छे से शिक्षा दिया है। कहते पेड़ का महत्व तो कब, उसका फल, फल से उसका पता चलता है वो पेड़ का क्या महत्व है। इसलिए हमारे बीच में से हर्ष प्रभु जी ये कंप्यूटर शास्त्र इंजीनियर हैं, लेकिन ये दिल्ली में नौकरी करते थे, लेकिन अभी भक्ति करते करते लाख रुपया की तनख्वाह है, जब ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने सुनते सुनते कथा उन्होंने अभी पूरा दिल्ली छोड़ करके कहीं आ गए और कंप्यूटर से यहीं से बैठी बैठी कंप्यूटर में काम करते हैं। मंगलारती गाना, हरी कथा सुनना, श्लोक याद करना और गुरु वैष्णव की जो पानी का जो देखो ना पानी, हमें जो फिल्टर वाला मिलता है दुकान में जाना फिल्टर लाने के लिए, हर साल वही मेरी का एक दोस्त है। इसलिए ये दोनों ने पूरा साल के लिए उन्होंने जो मीठा पानी जितने जरूरत है फ्री में मीठा पानी पूरा अभी नहीं पूरा कार्तिक में भी इनका नाम और पानी मिला है। इन्होंने पूरा कार्तिक के महीना में जो पानी पानी को जीवन कहते हैं, पानी को जीवन जीवन कहते हैं, इन्होंने सबको ये जीवन प्रदान करते हैं। इन्होंने सारे परिश्रम को गुरु वैष्णव की लोग कहते ना सारे पैसा तो अपना पूरा संसार बना देते, लेकिन ये सारे पैसा तो गुरु वैष्णव की सेवा में भक्तों की सेवा में लगाते हैं। अभी इनकी कथा सुन करके आपको पता चलेगा जो सबको पानी पिलाते हैं अभी कैसे वो सबको पानी, एक तो पानी वो पिलाते हैं दूसरा पानी वो पिलाएगा। नहीं और भी बहुत कुछ सेवा करते हैं, नहीं और भी बारे में बहुत बहुत कुछ करते हैं। चक्षुर्मीलिम तस्म श्रीगुरवे नम सर्वतम श्रीगुरुपार्वतीला विष्णु विष्णुपादशोकृष्णशेषुनपत्युनाशनारायणसंहाराजवप्रभुजपा शिवनाशिनाराज के तत्पश्चाजपा शिवदिवना शांति महाराज पूज्यपाल श्री भक्ति राम विष्णु देवित महाराज एवं पूज्यपाल श्री रामचंद्र प्रभु चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ और उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरण कमलों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। हम लोग कल से जो है पाँच दिन तो हमारा चूल उत्सव चलेगा ही, परंतु कल से हम लोग श्री रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव उत्सव मना रहे हैं। श्री गुरुदेव ने ये परंपरा शुरू की थी कि हम तीन दिन के लिए श्री रूप गोस्वामी जी के विचारों को श्रवण करेंगे और बहुत सारे श्रेष्ठ वैष्णव इस सम्मेलन में आते हैं, इस सभा में आते हैं और हम सबको उनसे कुछ ना कुछ श्रवण करने को मिलता है। तो गुरु जी का उद्देश्य जो था इस सभा को करने का वो यही था कि हम लोग जो हैं सभी अपने गौड़ीय वैष्णव जो भी हमारे वैष्णव आते हैं अलग अलग मठों से भी आते हैं, सब लोग जो आते हैं वो हमें रूप गोस्वामी जी के विचारों के बारे में कुछ बताएं और जितना भी गुरु वैष्णव की कृपा से संभव हो पाए हम उसको अपने जीवन में धारण कर पाए। तो श्री रूप गोस्वामी जी जो हैं ये तो इतना बड़ा व्यक्ति तो है कि इनके लिए मेरे जैसे अधम व्यक्ति का तो बोलना मतलब क्या उनके बारे में बोल सकते हैं। साक्षात राधा कृष्ण के परिकर और महाप्रभु जी के परिकर और कृपा करके हम लोग तो
पता नहीं संसार में कहाँ पड़े हुए थे, कहाँ जॉब कर रहे थे, कहाँ मैं पंजाब से हूँ, हम लोग सब पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर देशों से आए हैं और इस ऑडियो वैष्णव संप्रदाय में हम लोग आए। श्री रूप गोस्वामी जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा, इतने सारे वैष्णवों की हमें कृपा मिल रही है। ये केवल मात्र इनकी कृपा के बल पर ही हम लोग जो है यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ तो इतने सारे लोग हैं लेकिन वो कोई भी नहीं आ पाता, परंतु हम लोग आए हैं तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। श्री रूप गोस्वामी जी इस कलयुग में सभी शास्त्रों में केवल मात्र एक ही साधन बताया गया कि संसार से पार होने का एक ही साधन है। क्या साधन है? कह रहे हैं कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलोम नास्तेव 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 गति रखने था। इस कलयुग में केवल मात्र हरि नाम ही एक ऐसा साधन है जिससे कि इस संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। तो उस हरि नाम की महिमा यद्यपि शास्त्रों में सब जगह कहा गया, वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते, कि वेदों में रामायण में पुराणों में सब जगह पर शुरू से लेकर मध्य और अंत तक केवल मात्र हरि का ही गुणगान किया गया है, भगवान के ही नाम रूप गुण और लीला का ही कीर्तन किया गया है। और बहुत सारे जो है नाम की महिमा के श्लोक जो है हमें हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, परंतु श्री रूप गोस्वामी जी जो नाम की महिमा वर्णन करते हैं कितने अद्भुत श्लोक उन्होंने लिखे हैं। जैसे श्री नाम अष्टक में वो क्या लिखते हैं, निखिल श्रुति मौली रत्न माला नदी निराजित पाद पंकजांत आई मुक्त कुलेर उपास्यमान परितस्वाम हरिनाम संश्रियाम। क्या कह रहे हैं कि ये जो हरिनाम क्या है, कहते हैं निखिल श्रुति मौली रत्न माला कि जितने भी हमारे वेद पुराण हैं इन सबका जो ये हरिनाम है ये क्या है, मुकुट मणि स्वरूप है। और ये जो जितने भी वेद शास्त्र हैं ये एक अगर हम इसकी माला पुरो ले, जैसे 108 उपनिषद है, मान लो एक साथ 108 उपनिषद जो है वो 108 मोती है एक माला के, तो उस माला मोती में से क्या निकलती है, ज्योति, उसमें से रोशनी निकलती है, प्रभा निकलती है। तो कह रहे हैं कि जितने भी वेद शास्त्र हैं ये क्या कर रहे हैं, इनमें जो बड़े ही सुंदर सुंदर श्लोक वर्णन किए गए हैं उन श्लोकों के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, हरि नाम के चरणों की स्तुति कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। विराजित पाद पंकजांत कि जो भगवान का नाम है केवल मतलब इसकी ही महिमा का गुणगान किया गया है। और क्या कह रहे हैं, परितस्त्वाम हरिनाम संश्रियामि, हे हरिनाम प्रभु अगर कोई व्यक्ति आपकी शरण ग्रहण कर लेता है, क्या बता रहे हैं, अई मुक्त कुलेर उपास्यमान कि इस हरिनाम को कौन जप सकता है, कह रहे हैं मुक्त कुल, मुक्त कुल कौन, अर्थात जिनके सभी प्रकार के अनर्थों का नाश हो चुका है, इसी जीवन में रहते हुए उनके जितने भी काम क्रोध ये सब चीजें नष्ट होती हैं, जो जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच चुके हैं वो आपके हरिनाम, आपका हरिनाम शुद्ध रूप में जप सकते हैं। तो इस तरह से जो है रूप गोस्वामी जी कितनी सुंदर महिमा बता रहे हैं कि सारे वेद शास्त्र जो है वो क्या कर रहे हैं, हरिनाम की स्तुति कर रहे हैं, हरिनाम की आरती उतार रहे हैं। और फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या केवल मुक्त जो महापुरुष है क्या वो ही केवल नाम जप सकते हैं, कहते थे रूप गोस्वामी जी अगले ही श्लोक में बता रहे हैं कि नहीं केवल मुक्त महापुरुष ही नहीं, क्या कह रहे हैं, जय नाम धेय मुनिवृद्ध गेय जनरंजराय परमक्षराकृते त्वम अनादरादपि मनादुद्गीतम निखिल उग्रताप पटली निखिल उग्रताप पटली विलोपसि। क्या बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपका नाम अनादर पूर्वक भी ले लेता है, अनादर पूर्वक नाम कौन लेगा, क्या कोई मुक्त महापुरुष अनादर पूर्वक नाम लेगा, नहीं, तो कौन लेगा, क्या भक्त जो जीव है वो हो सकता है कि आपका नाम जो है अनादर पूर्वक ले, क्योंकि किसी की श्रद्धा नहीं है, जैसे भागवतम में आया सांकीर्तन परिहास्यम सांकीर्तन परिहास्यम सोमम हिरण निर्वा, इस तरह से चार प्रकार से कोई नाम देता है तो उसमें क्या है अवहेलना पूर्वक नाम लेना, अनादर पूर्वक नाम लेना भगवान का। तो कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति अनादर पूर्वक भी मनाद अगर थोड़ा सा भी आपका नाम जब लेता है तो उसका भी आप कल्याण करते हो, क्या कल्याण करते हो, निखिल उग्र ताप पटने की रूप से कि जितने भी उसके आज तक के संचित प्रारब्ध कर्म थे, जितने भी अप्रारब्ध कर्म थे उन सबका भगवान का जो नाम है वो उसका नाश कर देता है। तो इस प्रकार जो है रूप गोस्वामी जी नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। और आगे रूप गोस्वामी जी आगे श्लोक में तो
और बात बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, वाच्यम वाचकम इति उदेति कवितो नाम सुखद्वयम् पूर्वस्मात् परमेव हंत करुणं तत्रापि जानीमहे। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में कि हे प्रभु, आपके दो स्वरूप हैं, एक तो वाच्य स्वरूप, एक वाचक स्वरूप। वाच्य और वाचक क्या होता है? कहते हैं कि एक तो भगवान स्वयं जो विग्रह, और एक उनको पुकारने वाला जो नाम है वो क्या हुआ? वाच्य, और जो वो स्वयं हुए वाचक भी। तो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के सेवा विग्रह, भगवान के विग्रह के प्रति भी अपराध कर दे, तो भी अगर वो व्यक्ति भगवान के नाम के प्रति शरण ग्रहण कर दे और भगवान का नाम जपने लग जाए, तो उसके जितने भी सेवा अपराध है वो सारे के सारे सेवा अपराध जो है वो नष्ट हो जाते हैं। वो बता रहे हैं कि इतना जो करुणामयी जो है भगवान का नाम है, कि भगवान का नाम भगवान के चरणों में हुए जितने भी अपराध हैं उनको भी नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से भगवान के नाम की महिमा जो है श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और आगे एक श्लोक में, नामाष्टक में नहीं, एक और श्लोक में वो कहते हैं कि कुंदे तांडव ने रचने विकुंदे कुंदावलि जब दे तब क्रोध कदम्बनि कर रहे थे करना उदित स्प्रिया चेता प्राणन संग्री विजेते सर्व इंद्रिया नाम कृति न जाने जनिता कृष्णेति वर्ण भाई। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में कि कुंदे तांडव ने रचने विकुंदे, कि हे प्रभु ये कृष्ण नाम जो इसमें दो अक्षर हैं क्री और श्न, यह जो दो अक्षर है इसमें कितना मधुरता भरी हुई है, कि मेरी क्या इच्छा होती है कुंदे तांडव ने रदे विदुंदे कुंदावली लगे कर्ण करोड़ कडम्बनी कटे थे करना पुदे में सप्रिया, कि मेरे करोड़ों करोड़ों प्राण हो जाए ताकि मैं इस भगवान के नाम की महिमा को श्रवण कर सकूँ। और क्या कह रहे हैं कुंदे तांडव ने रदे विदुंदे, कि यह जो मेरा जीवा है मेरी करोड़ों जीवा हो जाए, और यह जो भगवान का नाम है मेरी जीवा पर नृत्य करे कि मैं इस भगवान के नाम को जप सकूं, और इसमें इतना अमृत भरा हुआ है कि मैं इस अमृत की व्याख्या नहीं कर सकता, इतना अमृत भरा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है यह जो बड़ा ही अद्भुत श्लोक जो है श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, जबकि बहुत सारे श्लोक शास्त्रों में हैं तो इसके बराबर का श्लोक कहीं भी शास्त्रों में नहीं मिलता, तो ये वाला श्लोक श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा। तो इस प्रकार से हम लोग श्री रूप गोस्वामी पाद से आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ श्री नारायण जी से, सभी वैष्णवों से, कि आप लोग कृपा करें कि इस हरिनाम में जो है वो रुचि उत्पन्न हो जाए, क्योंकि अभी तो हरिनाम करते हैं या तो नींद आ जाती है या फिर एक बार अगर 16 माला जैसे पूरी होगी तो उसके बाद लगता है कि यार इसको छोड़ दो बस बहुत हो गया, तो ऐसी रुचि हो जाए कि हम लोग भी जो है जैसे गुरुदेव महाप्रभु कहते थे, गुरुदेव कहते थे कि 1 लाख हरिनाम जो है अवश्य गौड़िया मठ का सिद्धांत तो वास्तव में यही है कि हर एक व्यक्ति को जो गौड़िया मठ से दीक्षित है उसको 1 लाख हरिनाम नित्य प्रति करना चाहिए। तो आप सब लोगों से वैष्णव से यही प्रार्थना है कि हम लोगों की मेरी जो है इस भगवान के नाम में रुचि हो, और मैं भी कभी जो है 1 लाख हरिनाम जो है एक दिन में कर पाऊँ। हरे कृष्ण मुरारी प्रभु जी इधर आ जाओ, आ जाओ मुरारी प्रभु का जल्दी जल्दी आ जाओ। देखो ये जो आप इनको जानते हो, हम लोग देखे हो, देखो ये जो बच्चा है ना बहुत अच्छा बच्चा है, मंदिर का जितने लाइट आप देख रहे हो ना, ये सारे इसी सारे मंदिर का जो लाइट ये सब कुछ ही करने वाले, केवल इतना नहीं रोशनी बनाना, बहुत बढ़िया रोशनी बनाती है मंदिर का, कोई भी सेवा कोई भी मंदिर का सेवा हो बड़ा ध्यान से बड़े प्रीतिपूर्वक बच्चा करता है, गुरु वैष्णव भगवान सब की सेवा ये बच्चा करता है, बहुत अच्छे बच्चे, इसका जितने गुण गाना उतना कम है, और इतना अच्छा ये बच्चा है, इसलिए इसको गुरु वैष्णव को कृपा करके आदत थी और ये ऐसे सेवा करते रहे, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी बच्चा शास्त्र में बड़ा रुचि है, शास्त्र हर चीज को नोट करना, श्लोक को बोलना, याद करना, हर विषय आप अभी कथा सुनेंगे, आप इनकी कथा से आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा हो सकता है। मुरारी गुरुवे गौरचंद्रा मैं राधिकाय तदालय
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि श्री गौर भक्तिबिंदु हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। परम अपने गुरुपाद पद्मों विष्णुपाद शुक्र शुक्र शिष्म शक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी, भक्तिवेदांत सारथ महाराज जी, रामचंद्र गोविंद जी, हम समस्त वैष्णव एवं वैष्णव प्रियता जो हमारा दंडवत प्रणाम। बहुत ही शुभ तिथि के लेकर के हम लोग आलोचना कर रहे हैं कल से, और आज और कल दो दिन और सभा रूप गोस्वामी की अपूर्व चरित्र, क्या योगदान है उनका, उन्होंने क्या हमको दिया, ये सब विषय को एक एक लेकर के एक एक योगदानों को लेकर के अनेक अनेक दृष्टिकोण से सब उनकी महिमा की बखान कर रहे हैं। वास्तव में पुष्पांजलि यही है कि उनकी किस तरह से उन्होंने ये सेवा की परिपाटी और किस तरह से ये जीवों को ये संसार से भगवान की तरफ मोड़ा, उसको उन्होंने सिखा दिया है, तभी कहीं ना कहीं हमारे अंदर शरणागति के भाव आ सकता है। श्री रूप गोस्वामी जैसे आपको बता रहे थे क्या है रूप गोस्वामी जो है श्रीमन महाप्रभु के रूप हैं, महाप्रभु के रूप गोस्वामी हैं, उदल युग किशोर के कौन है रूप मंजरी, ये जो है उदल रूप मंजरी के रूप में इनका बहुत ही उच्च सेवा है। वहाँ तो मैं आज ज़्यादा टच नहीं करेंगे, थोड़ा से बोल के निकल जाऊँगा। वहाँ एक ऐसी अवस्था आती है कि जहाँ राधा जी कृष्ण की गुण लीलाएँ ऐसी है जहाँ की सखियों का प्रवेश नहीं है, वहाँ रूप गोस्वामी का प्रवेश है। कभी ऐसा आता है ये स्वरूप ने दिखाया तामूल अर्पण पाद मर्दन पयोदान दिशारा देवी वृंदावन महेश्वरी यशवंती प्रिया प्राण प्रिया सखा सखी अभी केला संकुचित भूमि का केली भूमि स्वरूप मंजरी मुखास्ता दास का संतरे। इसमें दिखा रहा है कि जो तामूल अर्पण करना पाद समान करना और क्या कहना पयोदान जल इत्यादि दान है किसका सेवा है प्राण पेष्ट सखी हम उनकी सेवा है। लेकिन राधा कृष्ण की जो कभी ऐसा लीला होती है जहाँ की राधा कृष्ण किस अवस्था में है वो सखियाँ संकोच करती हैं प्रवेश करने, लेकिन रूप मंजरी का संकेत नहीं है, वो वहाँ उनका प्रवेश है। रूप गोस्वामी का भी रूप मंजरी का वहाँ प्रवेश है। तो ये तो सिद्धों के लिए ये बात है, लेकिन हमारे लिए महत्व किसका है, हमारे लिए महत्व है किसका, रूप गोस्वामी का हमारे लिए ज़्यादा महत्व है। यद्यपि रूप जो रूप गोस्वामी हैं उनके अंदर रूप मंजरी भी हैं, क्योंकि और रूप मंजरी के अंदर रूप गोस्वामी नहीं है, क्योंकि जो महाभागवत होते हैं एक अवत हैं महाभागवत होते हैं इनकी जो है सेवा कैसे होती है दो रूपों में होती है, सेवा साधक रूपेण सिद्धि रूपेण चात्री, बता रहे कि दो तरह से बल लोकानुसार इसमें कर्म दो तरह से है सेवा साधक रूप में और सिद्ध रूप में। सिद्ध रूप में राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में सेवा, साधन साधन शरीर से क्या होता है ये श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं साधन शरीर से करते हैं। अब जो है साधन शरीर से हो रहा है, इसी तरह से बताया कि महाभागवत जो होते हैं उनकी तीन दशाएं हैं अंतर दशा और दवाई दशा और पाई दशा, ये तीनों रूप गोस्वामी के अंदर देखा जा रहा है। अंतर दशा करे राधा कृष्ण दर्शन और दवाई दशा करे प्रहलाद वर्णन और पाई दशा करे नाम संकीर्तन। अंतर दशा में
और राधा कृष्ण की युगल की सेवा करते हैं और दुहाई दशा में प्रहलाद बनना अधिक ग्रंथ लिखते हैं। ग्रंथ जितना भी रावण का स्मरण होता है उसको लिपिबद्ध करते हैं और बाई दशा में क्या करते हैं नाम संकीर्तन। बाई दशा में लगता है कि नहीं हमारे जैसा ये भी है, भगवान की परिकरों को क्या है साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो क्या वो हमारे जैसे भक्तिव नहीं है जो कि श्रद्धा के क्रम से उठने की चेष्टा करने, ऐसा नहीं है। उनमें जो प्रेम है क्या है नित्य सिद्ध प्रेम उनके अंदर है, इसे उठने की चेष्टा नहीं करते हो। भगवान के जो परिकर हैं वो भगवान के समान ही गुण वाले हैं, भगवान नहीं है भगवान के समान बोला। करें आत्मकोटि बड़े कृष्ण प्रमाणम परम मता नित्यानंद गुणा सर्वे नित्य सिद्धांत कुंद। जो भगवान के परिकर हैं क्या है उनके अंदर अपने आत्मा से कोटि गुना प्रेम कृष्ण के प्रति है और क्या है प्रमाणम परम मता नित्यानंद गुणा सर्वे समस्त गुण क्या है चिन्मय गुण है, ऐसा जड़ीय गुण नहीं है, जड़ीय गुण उनके अंदर नहीं है नित्य और नित्य सिद्ध भगवान की समान ही वो नित्य सिद्ध है। श्री रूप गोस्वामी बात की विशेष कृपा श्रीमन महापुरुष की रूप गोस्वामी बात हुई है, उनके महापुरुष के परिकरों की भी कृपा इन्होंने प्राप्त की है। रूप गोस्वामी बात रूप गोस्वामी बात ने प्रयागराज में जब श्रीमन महाप्रभु वहाँ आए थे तो वहाँ उन्होंने भक्ति का एक बोध छकाया था, बोले कि प्रभु कहे सूरत सुन रूप भक्ति रसे लक्षण सूत्र पे करी विस्तार न जाए बण बार बार सुन अपार भक्ति रस सिंधु तुम्हारे चखा दे कही कर वही एक बिंदु। बोले महाप्रभु बोले कि क्या कहेगी भक्ति रूप की लक्षण सुनो और एक ऐसा है एक परवार सुन अपार इसका पार नहीं पा सकते इसलिए तुमको मका में एक बोल चखा रहा हूँ इसको एक बोल चखा 10 दिन तक महाप्रभु को श्रीमद महाप्रभु प्रयागराज में ये दिया था एक भक्ति तत्व का वर्णन किया था। एक जगह और एक श्लोक में भी आया है से प्रयाग धाम रूप राग भक्ति संचरम सनातन आदि काशी भक्ति विचणाधरम वैष्णवा अनुरोध भेद निर्विशेष बंजरम प्रेम धाम देव में मनोवी गौर सुंदर। इसमें जो पहली लाइन में बता रहे हैं कि प्रयागराज में क्या किया रूप गोस्वामी को, जो रूप गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु ने भक्ति रस का दान दिया उसी एक कण को लेकर जब वो वृंदावन में आए तो वृंदावन में उन्होंने क्या किया इसी की विस्तार रस भक्ति रसामृत सिंधु इन्हीं की विस्तार है भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ललित माधव विदग्ध माधव इत्यादि सब नाटकों में कैसे कैसे वर्णन किया है उन्होंने। यहाँ जो उन्होंने बताया विशेष रूप से जो रूप गोस्वामी बाद ने ये बताया कि किस तरह से अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक अनेक चीज भक्ति की परिभाषा दिए गए हैं, इसमें नारद पंचरात्र में श्रीमद् भागवत में और भी भक्ति ग्रंथों में अलग अलग, लेकिन इनकी जो परिभाषा है सबसे हटके उनसे जो विरोध नहीं करता लेकिन जो उत्कृष्ट जैसे तारतम्य में होता है इनकी परिभाषा जो है तारतम्य के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ है, इनकी ऐसी परिभाषा है। ये श्लोक जो है क्या है सुनिए में श्लोक जो है श्रद्धा से लेकर सीधा भाव को लक्ष्य करता है, यहाँ भाव में माधना महाभाव है सब इसके अंदर एक ही एक श्लोक के अंदर सब दिखा दिया ऐसा ये श्लोक है ये दिखाया क्योंकि जो है भक्ति को समझ पाना भी बहुत कठिन है। भक्ति जो है कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा योग मिश्रा संसिधा आरोप सिद्धा स्वरूप सिद्धा गुणी बुद्धा प्रतानी ये सारे बहुत है, इसलिए जो शुद्ध भक्ति क्या है प्योर भक्ति क्या है इसको समझ पाना ये बहुत ही कठिन था अगर रूप गोस्वामी बाद ने ये हमने बताया होता। रूप गोस्वामी बाद ने इतना ही नहीं उन्होंने जो है क्या किया एक एक तो अस्त्रों का एक एक क्या अस्त्र है उनकी अलग अलग सबका परिभाषा दिया सब अस्त्रों का उनको उन्होंने ये बताया कि किस तरह से साधन भक्ति पहले बताया कि जो पूरे विभाग में वर्णन कर रहे हैं साधन भक्ति सामान्य भक्ति साधन भक्ति और प्रेम भक्ति ये सब वर्णन कर रहे हैं पूरे विभाग में उससे पहला बता रहे हैं साधन भक्ति
साधन भक्त ने बताया कि जो सुरस्ते पेता शास्त्री हरे दस्तया क्रिया सह भक्ति यदि पुरक्ता दया भक्ति प्राप्त करें कि भगवान की सेवा के लिए जो शास्त्रों में जो कर्तव्य निहित किए गए हैं उसको साधन भक्ति कहा गया। इसके अतिरिक्त में कार्यकि एक और लोगों में बताया गया कि जो है कीर्ति साध्या भव साध्य भवाद साधन विदा नित्य सिद्ध स्वभाव से प्रकट यदि साध्यता बोल रहे हैं कि जो भाव तो नित्य सिद्ध है, हर जीव का भाव नित्य सिद्ध है, लेकिन वो क्या है आवृत है, इसको प्रकाशित करना इसको साधन भक्ति कहा गया। असाधक किसको कहा गया, सम्मत करें साधक को करें कि उसका जो क्या है साधक जो है वो कृष्ण साक्षात कृति योग्य साधक का प्रकृति था, कृष्ण की साक्षात करने की योग्य योग्यता उसको अगर आ गई है तो उसका साधक का साधक कहा गया और कोई साधन नहीं है। बाकी जो क्या है नहीं क्या क्या भाव जो जो भाव प्राप्त करने वाला है यहाँ कर चुका है उसको साधक कहा गया। कह रहे हैं कि फिर बता रहे हैं कि साधन भक्ति क्या है, साधन भक्ति जो है ये कष्टकर है, आप लोग सब जानते हैं करते हैं कष्ट होता है, परिक्रमा करने में हमें कष्ट होता है, नाम करने में कष्ट होता है, सुबह इतनी ठंडी में उठकर ठंडे पानी से स्नान करो आरती गाओ कष्ट होता है, ये क्या है ये भक्ति के अंग है, ये साधन भक्ति है कष्ट हो रहा है। तो रूपों से ही बात कर रहे हैं कि जो है भवंती संपत्ति उदयनयस् सदा मुन्मत्त विचेष्टतानि न एवं संजयन सुखमता नौ प्रकार अभी मुकुंद भक्ति। बोल रहे हैं कि जो अगर रति उत्पन्न नहीं हुई करेंगे क्या हो, जब तक रति उत्पन्न नहीं हो भवंती संपत्ति बोल रहे हैं, संपत्ति किसको बोला, प्रेम प्राप्त नहीं हुआ भाव नहीं प्राप्त हुआ इसको संपत्ति बोला, ये अपनी संपत्ति है, अगर ये नहीं प्राप्त हुआ तो क्या नौ प्रकार अपनी मुकुंद भक्ति क्या होगा, नौ तरह की जो मुकुंद की भक्ति है हमें कष्ट देगी, जो स्वभाव के वही हमारे सबको रहा देखा कष्ट देगी ये चेत काया। फिर बता रहे हैं कि आगे जो साधन भक्ति फिर बताया क्या भाव भक्ति, भाव भक्ति की परिभाषा दी कि विदुष आत्मा प्रेम सुवांशु सम्यभाव रुचि विष्टिष्माशन किंतु स्वभाव उचित। बोले कि जो जो क्या है जो अस्थाई भाव है ये सूर्य के किरण की सदृश है और जो इसमें जो कृष्ण की प्राप्ति करने की आकांक्षा और जो चित्त की द्रवता अगर आ जाती है तो इसको भाव बोला गया, परिभाषा दे रहे हैं इसको भाव कहते हैं। और जो आगे भी कह रहे हैं कि प्रेम क्या है, प्रेम बोल रहे हैं कि सम्यक मशन तो स्नान तो ममत प्रसिद्ध अंकित उदय करें प्रेमा ये उदय भाव गर्भ्यति ऐसे करके कुछ श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि भाव किसको बोलते हैं, करेंगे सम्यक मशन तो पूर्ण रूप से जो है चित्र चित्त जो कृष्ण में से द्रोहित हो गया है उनकी प्राप्ति करने की पूरी पूरा जो है चित्त चित्त में ऐसा हलचल मचा हुआ है प्राप्ति करने की वैसे अगर अवस्था प्राप्त होती है और हर जगह कृष्ण की ही अनुभूति उसको प्राप्त होती है ऐसे दृश्य को भाव कहा गया। भागवत में बोल रहे हैं कि ओम व्रत सौप्रिय नाम कीर्त्यो जाता अनुराग चित्त उच्च हसत तो रोदती रोती गायंती अनुवाद निजती लुपाई। प्रेम प्राप्ति करने का जो प्राप्त कर चुका उसका लक्षण क्या है वो बोल रहे हैं कि एवं रक्त संकीर्ण नाम कीर्तु नाम ग्रहण कर लिया अगर और उसको नाम की क्या है कभी वो हंसता है कभी रोता है कभी उन्माद करके नित्य करता है तो कभी चिल्लाता है इस तरह से उनकी जो पागल के समान उनकी जो क्या होती है ये इस पागल के समान उसके सारे क्रियाकलाप हो जाते हैं इस तरह से प्रेम की परिभाषा दे रहे हैं। और एक एक चीज को एक चीज को यह नहीं बताया एक चीज भाव को किसको कहते हैं साधन भक्ति क्या है प्रेम क्या है सब अस्त्र को तो बताया लेकिन ये भी बताया कि किस तरह से आप किसी में अगर ऐसा ढोंग कर रहा है भाव कि हमारे में भाव आ जाए उसको पहचानने की भी सारा कुछ बता रहता है शांति सब ने दिखाया किस तरह से सब प्राप्त कर सकते हैं इसको बताया। फिर बता रहे हैं कि जो
किस तरह से साधक 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 जो है कर्म से भाव भक्ति के लक्षण प्रेम भक्ति बताया कि जो श्री कृष्ण ही आकर्षण जैसा श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाला है और जो आनंद को प्रदान करने वाला है भाव भक्ति के दो लक्षण बताए। तो धीरे से जो किस तरह से साधक की उन्नति होती है मेरा सामने सुंदर में बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया है। अनर्थगत योग की कैसे ऊपर उठेगा उसको खूब सुंदर ढंग से दिखाया। साधन भक्ति होते हुए रति रोदय रति गाढ़ देता है प्रेम नाम को है प्रेमे प्रीति कर्मे स्नेह मान पान है राम राम राव भाव महाभाव है। ये सब कुछ दिखाया किस तरह से कर्म कर्म से साधक उन्नति होती। अभी मैं समाप्त करता हूँ समय हो गया ज्यादा ले लिया मैं माफी चाहता हूँ। मंशा हरे कृष्ण हमारे बीच में श्री मधुकंड प्रभु अभी आप बोल रहे थे प्रभु गोस्वामी को पढ़ते हैं पढ़ सी प्रकाश डाले श्री मधुकंड हरे। ये बच्चे देखो ये सब छोटे छोटे बच्चे देखो बचपन से आकर के कैसे कितने छोटे छोटे बच्चे लेकिन बचपन से आकर के यहाँ पर रह करके और श्री परमेश्वरी प्रभु से सो हरी कथा सीख करके इतनी अच्छी हरी कथा बोल देखो। और एक बात सुनो तुम लोग बता रहे कितने बच्चे जैसे हम लोग त्रिपुरारी देखो जब हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं ना उसके बाद में फिर प्रणाम हम अपना शिक्षा गुरुदेव को करते हैं किसको भक्ति वेदांत सिंह नारायण भगवान का। इसलिए तुम लोगों को जो परमेश्वरी प्रभु है तुम लोगों की शिक्षा वो अगर नहीं होते ये सब पता नहीं सीख पाते। इसलिए जब हम वंदना करें उनको कम से कम प्रणाम करने चाहिए क्योंकि उनकी कृपा से तुम लोग यहाँ पर सब सीख रहे हो दूसरे बच्चों कोई नहीं सीख पा रहे क्यों सिखाना कभी कोई नहीं। इसलिए वो इतने अपना समय को ये करके तुम लोगों को इतने पूरा अपना भजन को ये दे करके तुमको सिखा रहे हैं इसलिए बोलनी चाहिए उनको प्रणाम करने चाहिए ठीक है ना। कुछ बोलना चाहिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपने सुना अभी मुरारी प्रभु ने क्या कहा साधन किसी को कहते हैं जिसमें कष्ट होता है समझे अगर कष्ट नहीं हो रहा है तो समझ लो अभी साधन। चरण कोमल में दंडवत प्रणाम करता हूँ और मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री परमेश्वरी प्रभु जी के चरण कोमल में दंडवत प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर सभी तेनाली महाराज और वैष्णव वैष्णवी प्रणाम जी का आदेश हुआ है किसी रूप गोस्वामी के विषय में कुछ बोलने के लिए तो मेरी तो ऐसी कोई योग्यता है कि जो मैं रूप गोस्वामी की विषय में कुछ वर्णन कर सकूँ लेकिन जैसे हम कल से श्रवण कर रहे हैं रूप गोस्वामी के विषय में तो जो वैष्णवों ने कहा उसी को जो है उसी की पुनरावृत्ति करने की कोशिश प्रयत्न करता हूँ। तो हम कल से सुन रहे हैं कि रूपानुग है क्या रूपानुग का अर्थ होता है महाराज ने कल बताया था रूप मतलब रूप गोस्वामी और अनुग मतलब अनुमाने पीछे और कमाने कमल मतलब रूप गोस्वामी जी के पीछे चलना। तो रूप गोस्वामी जो है नहीं यहाँ पर जो उनके पीछे चलेंगे तो जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है जो आदेश दिए हैं उनको पालन करना ही जो है उनके पीछे चलना है। तो रूप गोस्वामी तो बहुत हाईएस्ट पावर है
मतलब बहुत ऊंची चीज है, और उनसे नीचे आ जाओ, उनसे नीचे आ जाओ मेरे गुरु परंपरा श्री कृपाल जी हैं, है ना। तो उन्होंने कितने सारे उपदेश दिए कृपाल जी ने, उनके उपदेशों में बहुत सारे ऐसे उपदेश हैं, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, बाकी तो मुझे नहीं पता, कोई उपदेश में पालन कर पाता ऐसा मेरी योग्यता नहीं। और उनसे नीचे आ जाओ हमारे गुरुदेव हैं, सबके अपने अपने गुरुदेव हैं, गुरुदेव कोई आदेश देते हैं हम उसको ही पालन नहीं कर पाते। और गुरुदेव से नीचे आ जाओ उनसे नीचे वैष्णव है, क्योंकि गुरुदेव भी पहले वैष्णव थे और वैष्णव के अनुगत्य में रहकर ही जो बाद में मतलब जो है वैष्णव जो है उनके पास पहुँचाते हैं। अब वैष्णव हमें कोई आदेश देते हैं हम तो उसको ही पालन नहीं कर पाते, है कि नहीं। तो रूप गोस्वामी हैं, उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, जो आदेश दिए हैं उनको तो पालन करना बहुत बड़ी बात है। हम वैष्णव का आदेश ही पालन नहीं कर पाते, मैं तो नहीं कर पाता, बाकी मुझे नहीं पता कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो अब जैसे वैष्णव हैं और गुरुदेव हैं, रूप गोस्वामी जी हैं, ऐसे ऐसे शिक्षाएं देते हैं हमें, ऐसे ऐसे आदेश देते हैं, तो हम उनको पालन करने में कभी सक्षम हो पाते हैं कभी नहीं हो पाते। तो जैसे कि आप कल हमने श्रवण किया रूप गोस्वामी जी के बारे में, तो अभी गुरुदेव भी बता रहे थे कि छह सूत्रों का जो है पालन करेंगे तो उनका पालन करना हो जाएगा। जैसे सात क्रिया निश्चा तत्तर प्रवृत्ता संचारा सतोवृत्ति वृत्ति प्रतिशत, तो उससे क्या होगा उनको नियमों को पालन करने से हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो भक्ति भी बहुत बड़ी चीज है, उसको प्राप्त करना कितना कठिन है, जो भी साधन हम साधन कर रहे हैं उसी को देख करके लगता है कि वहां तक पहुंच पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और साधन कर रहे हैं उसमें भी इतनी कठिनाई होती है, कई बुराई मुझे बता रहे थे इतनी कठिनाई होती है, नाम करते तो नींद आती है। और माला जैसे किसी ने अपनी अपनी संख्या निश्चित रख रखी है उसके जैसे अब वो पूरी हो जाती है तो माला को छोड़ने का मन ही नहीं करता है कि छोड़ो। जैसे हाथ में प्रभु जी बोलते हैं जैसे कोई बिच्छू हाथ में आएगा वो छोड़ दो देगा, बस जैसे काट लेगा ऐसे करके बस संख्या पूरी करनी है और छुट्टी उसके बाद। और नाम करते समय नींद आती है, और जैसे आठ सुबह को मंगल आरती में आते हैं उसमें जब नींद आ रही होती है बहुत अच्छी चार बजे तो उसमें उठने का मन ही नहीं करता, छोड़ो आरती में पहुंच जा रहा है फालतू में टाइम वेस्ट होगा। आरती में उसके बाद कथा कीर्तन कीर्तन में बैठे बैठे नींद आती है, कथा में बैठे बैठे नींद आती है, उसके क्या होगा ये कैसे दूर होगी। तो ये जो है साधन करते करते ही दूर होगी, प्रभु जी बताते हैं हमारे रोशन गुरु जी, ये सब साधन करते करते ही दूर होगा, साधन करना ही पड़ेगा। ये साधन क्या है, जबरदस्ती का सौदा है, जबरदस्ती करना पड़ता है साधन। लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति जो है स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन अभी स्वाभाविक रूप से नहीं हो रही, जब भक्ति हृदय में उत्पन्न होगी तो स्वाभाविक रूप से होगी, उसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन साधन को करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। गुरु जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे किसी लड़की की नई नई शादी होती है तो जब वो ससुराल जाती है और ससुराल में जाके बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको काम करने में जो काम होते हैं ना उसको काम करने में कितनी परेशानी होती है ना, ऐसा लगता है मेरे सिर पर कितना सारा बोझ है। लेकिन अब जब करवा लो शादी करनी तो करना ही पड़ेगा, और जब पति के घर में पहुँच गई तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या पति छोड़ देगा। तो फिर जो है वो धीरे धीरे मन मान के अपने साधन मतलब जो काम है करती रहती है करती रहती है, करते 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 जो उसकी उसमें प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। और फिर बाद में कभी उसके भाई भाई की शादी होती है, घर से फोन आता है कि बेटी इधर तेरे भाई की शादी है तू जो है कुछ दिन पहले आ जाता, तो उसके घर में अपनी उसके ससुराल में प्रीति होगी, उसकी पति है उसके बच्चे हैं वगैरह वगैरह, तो अपनी माँ से बोलती है कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह वो पति जी वो फिर जाते हैं उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, बच्चे हैं उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, मैं तो दो दिन पहले आऊँगी उससे पहले नहीं आ सकती। तो
ऐसे करके जो है धीरे धीरे हमारी उसमें जैसे उसकी प्रीति हो जाती है, वैसे हमें साधन जरूर सीख करना पड़ेगा, वैसी जो है हमारी प्रीति उसमें हो जाएगी और साधन करते 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 वो उस भक्ति के लेवल को हम प्राप्त कर पाएंगे। और ये हमें विश्वास होना चाहिए, जैसे गुरु वैष्णव हमें बताते हैं कि हमें ये करना पड़ेगा, ऐसे करने से ऐसा होता है, तो हमें विश्वास होना चाहिए कि वैष्णव गुरु वैष्णव जो हमें आदेश दिया है वो जो है सब पालन करने से हमें सब प्राप्त होगा। तो और विश्वास तो जो भक्ति संबंधी कर्म होते हैं जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, इनको करने से जो है जो भक्ति संबंधी तत्त्व कर्म है इनको करने से जो मुक्ति बढ़ती है। और संग त्याग, संग किसका त्याग नाम है उसमें बताते हैं जो भक्ति विरोधी हैं, जो भक्ति करते ही नहीं हैं और स्त्री संगी हैं, कामी हैं, लोभी इत्यादि इत्यादि जो भी हैं, हमें इनका जो है संग त्याग करना है, इनको छोड़ना है। बहुत से जैसे एक मैंने गुरु जी का एक लेक्चर सुना था तो उसमें गुरु जी बता रहे थे निंदा के विषय में। अभी जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं, वाले वैष्णव ऐसे हैं, वो महाराज जी ऐसे हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, एक दूसरे से निंदा करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस निंदा को जैसे ऐसा सोचते थे कितनी अच्छी मिठाई है, उसे खाने में कितना स्वाद आ रहा है, ऐसा सोचते हैं। तो लेकिन इसी के कारण जो है ना भक्ति से पतन हो जाता है, मतलब जो हम इस भक्ति जगत में आए हैं इसके कारण जो है पतन हो जाता है। गुरु जी बता रहे थे उस कथा में कि अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो भक्ति पद से पतित हो जाए, जो भक्ति मार्ग में हम आए हैं हम इससे पतित हो जाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसको जो है छोड़ना बहुत ज़रूरी है निंदा को। और इसके इसको जो ये तीन प्रकार से प्रभु जी बता दें, तीन प्रकार से होते हैं तन मन वचन। तन से किसी की निंदा, मतलब जैसे किसी की निंदा कर ली, और सुनना निंदा करना और सुनना जो है ये तन से होता है। मन से किसी के बारे में सोचना, वैष्णव या वैष्णवी किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचना, इस कहीं देख लिया लेकिन मन में रखा और मन में बार बार उसको सोच रहे हैं, तो ये सब। और वचन, वचन से किसी वैष्णव को गाली दे दी, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, तो ये सब जो है तन मन वचन से ये सब जो अपराध हम करते हैं इनको छोड़ना पड़ेगा। और सबसे पहले अपराध में क्या होता है, साधु निंदा, निंदा जो सबसे बड़ा अपराध है इसको छोड़ना पड़ेगा। और रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में पहला श्लोक बताया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरवस्त्र वेगम चेतान वेगान जो विषय प्रतिदा सर्वा पृथ्वी से शिष्या। इसे बता रहे कि जो वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा के वेग को, उदर उपस्थ के वेग को जो इनको रोक लेता है, मतलब इनको कंट्रोल कर लेता है, वो पूरी पृथ्वी पर शासन कर सकता है। लेकिन बाकी सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा तो कोई सा वेग भी रुका हुआ नहीं, सारे वेग पूरे टॉप मोस्ट में है। और तो जो उन्होंने बताया वाचो वेगम जीवा वेगम, क्योंकि इसको पालन करने से भक्ति बढ़ेगी, तो जब इनको पालन नहीं कर पाते तो भक्ति बढ़ेगी कैसे, कैसे बढ़ेगी भक्ति। वाचो वेगम बोलते थे किसी को उल्टा सीधा, क्रोध किसी को, किसी वैष्णव के ऊपर क्रोध कर दिया, जैसे किसी ने हम जा रहे हैं रास्ते जा रहे हैं थोड़ा सा टकरा गए, उसे दिखाई नहीं दे रहा, किसी देख कर नहीं चल सकते, ऐसा वैसा बहुत सारे मतलब अपराध करते कि अब सब क्या है अपराध है, तो इनको जो है दूर करना पड़ेगा, मतलब सहनशील बनना पड़ेगा। सहनशील जब तक सहनशीलता नहीं आएगी तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते साधन में, और साधन को करने के लिए सहनशीलता होनी बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है सहनशीलता। सहनशीलता के विषय में एक उदाहरण बताता हूँ, ठीक है गुरु जी, प्रश्न सुनने की टाइम हो गया, उसके बाद बादशाह का प्रश्न, उसके बाद से मुझे बताया आप।
सहनशीलता का मतलब है ये बोलते जाएंगे और आप सुनते जाना और प्रसाद नहीं लेना, ये क्या है? हरे कृष्ण। आज कमाल प्रभु आज आपका जन्मतिथि है ना, आज इनको सब कुछ आशीर्वाद देंगे। हमारे डॉक्टर प्रभु जी उनका बच्चा कहाँ गया? प्रभु जी डॉक्टर प्रभु आपको बेटा कहाँ है? आगे ले आप भारत फूल कहाँ है? जी अजीत अजीत त्रिपुलन ऐसा आशीर्वाद है भाई। यहाँ पर एक काम करो, इधर जाओ तो जाओ वहाँ पर जो ठाकुर का जो प्रसाद वाला है ना दो दिन लेकर जाओ, जो मोटे मोटे वहाँ बैठ जाओ। आज ये दोनों का आज जन्मतिथि है, आज स्वस्तिवाचन पढ़ करके ये दोनों को आशीर्वाद बैठो। फूल ले आओ भारत प्रभु, फूल फूल वाला देखो फ्रीज रे फूल अच्छी माला अच्छी फ्रीज रे क्या जल्दी लेकर का हाँ ले आओ उसको ले आओ दोनों ले आओ और लेकर क्या और कुछ छोटा फूल है कुछ? हाँ ठीक है ये फूल आज अरे कृष्ण सब का हाथ में थोड़ा फूल दे दो सब एक फूल ले लो एक 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 दो एक एक दो पांच दे के चले गए फटाफट लो एक देना मेरे को फटाफट फटाफट दो इधर भी दे दो इसमें सो यहाँ से हटा ये सो यहाँ से हटा फूल को तोड़ तोड़ कर दो सबको एक फूल एक फूल दो तीन फूल दो तुम दे दो वो आपस आपस कर देंगे तुम दो फूल दे दो आपस आपस फूल उसको तोड़ करके सबको हाथ में दो अरे इधर ले आओ इधर जो बैठना बैठे उनको दो उसको तोड़ करके सबको हाथ में दे दो हाँ आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो बोलो ओम स्वस्ति न स्वस्ति न गोविंद गोविंद स्वस्ति न स्वस्ति न अच्युतानंदो अच्युतानंदो स्वस्ति न स्वस्ति न वासुदेव वासुदेव विष्णु विष्णु दधातु दधातु स्वस्ति न स्वस्ति न अंजना सुत सुबुद्धि अंजना सुत अनोर भागवत दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केशव महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु लाभस्तेषां जयस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां कुतस्तेषां पराभव पराभव जेषां जेषां इन्द्रवरस्याम इन्द्रवरस्याम हृदयस्थो हृदयस्थो जनार्दन जनार्दन माधव 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 वाची वाची माधव 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 साधवा सर्वे साधना सर्वे सर्व कार्येषु सर्व कार्येषु माधवम् माधवम् प्रपद पदन लीला प्रपद पदन लीला कंदरे कंदरते 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 रचयति नवजुन रचयति नवजुन द्वंद्वस्मि निबन्धम् इन्द्रकील कलनार्थम् कल्याण लग्नस्थस्त्वयर्मे निज निकट निवास निज निकट निवास देहि गोवर्धन त्वं गोवर्धन त्वं नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय नरसिंहाय प्रह्लाद प्रह्लाद दादायिने
याद दायिनी महाप्रभु की आप ये दोनों का आशीर्वाद दो अपना हृदय से, ये दोनों खूब भगवान की भक्ति करें और खूब गुरु जी की सेवा और साधु संत की सेवा करें और भक्ति और भक्त बनते गिरिराज महाराज की सर्वविष्ट प्रदाता श्री गिरिराज बाबा की सर्व विघ्न विनाशन कर नृसिंह देव की सब कर गौर हरि की हमारे बड़ा ना और ये सोचिए कि बाकी है हमारा सिस्टम जय हो जय सिद्ध महाराज की आयु भक्ति जय हो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
श्री प्रभु जी आए और तमाम कृष्ण प्रभु जी और प्रभु जी बोल रहे जैसे मंदिर में इन लोगों का जैसे बच्चों का बर्थडे मनाया गया भगवान की वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक जिनका स्वस्थ वाच है ये वेद मंत्र को साथ में की जाती है उनका जीवन का दूर हो जाते हैं और भगवत भक्ति और इतने सारे संतों का ठाकुर का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो हरे कृष्ण सब आप लोग ऊपर जाने के प्रसाद पा लीजिए आज दोपहर में भंडारा है सभी दोपहर में प्रसाद पाना सबके साथ हरी बोल